दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने थंबनेल में कहा है कि मार्केट एक रिस्क के ऊपर है, तो क्यों कहा ये मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी मार्केट 200 डीएमए के ऊपर है, 100 डीएमए ऑलरेडी ब्रेक किया, उसके बाद इतनी गिरावट हुई। मार्केट टॉप से यहाँ तक 10% यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट गिरा है। अगर और 10% गिरता है तो मार्केट एक बेयर फेज में जा सकता है, 200 के नीचे जाता है। अगर आप देखिए तो पीछे जो कि मार्केट 200 डीएमए पे गया था, जैसे कि कोरोना में यहाँ पे और बीच में एक बार, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही पैनिक होता है। लेकिन क्या इतना पैनिक हो सकता है क्या? और अभी इस समय हमको क्या करना चाहिए कि नया बाइंग करना चाहिए, शेयर्स होल्ड करना चाहिए, या फिर जैसे कि सेल करना चाहिए? तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 18 नवंबर से 22 नवंबर तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक पे आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 21 तारीख से हमारा लाइव टेक्निकल एनालिसिस का क्लास शुरू हो रहा है। जिनको भी मेरे साथ लाइव टेक्निकल एनालिसिस सीखना है वो दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग आने वाले वीक में देखेंगे तो उसके पहले लास्ट वीक देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस कैसे किया था। निफ्टी जो है कि 600 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी 1382 पॉइंट डाउन था। यानी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही तरह से गिर रहे हैं। उसके रीजन भी आप सभी को मालूम है कि जैसे FIIs का सेलिंग हो रहा है और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकल हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, ये भी हमारा खराब आ गया। उससे उम्मीद हो गई कि हमारा जो कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। तो जब भी मार्केट बेरिश होता है, कुछ न्यूज आ जाती है, मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है। ये बेरिश कब तक रहेगी ये हम लोग देखेंगे। आने वाले वीक में क्या रेंज हो सकती है? तो अभी यहाँ पे मैंने देखा तो जो सपोर्ट है मार्केट का 23,300 है, मार्केट का सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस है 23,800। बाकी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हमको अभी बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग निफ्टी का जो है कि चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोग ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा मंथली बेसिस पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मंथली में हम लोग देखते हैं तो एक करंट मंथ है और लास्ट मंथ, यानी 2 महीना मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से गिर रहा है टॉप पे। हम लोग थोड़ा मंथली चार्ट थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी भी 100 डीएमए के ऊपर मंथली में, जो कि अभी अगर हम लोग पिछला कितना भी रिकॉर्ड देखते हैं, कम से कम मैं 22 साल 23-24 साल का देख रहा हूँ। यहाँ पे जब भी कोरोना में एक बार इधर मार्केट आया था और यहाँ पे 2008 में जो कि सब प्राइम इशू हुआ था, कोरोना में मार्केट लगभग 40% गिरा था और सब प्राइम में लगभग 60%। तो ये अभी तक के जब तक कि मेरा करियर था उसमें से सबसे बड़े करेक्शन है। तो अभी जो 10% गिरा है तो इतना ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ही यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन ये कंटिन्यूशन हो सकता है क्या? सेकंड फेज आ सकता है। हमको शेयर बाय करने चाहिए, सेल करने चाहिए? पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे मंथली में देखें, हम लोग वीकली में देखते हैं। तो यहाँ पे वीकली में देखेंगे तो कंटिन्यूशन, एक बड़ा वीक, बाद में दो साइड वेज, फिर से बड़ा वीक साइड वेज, अभी फिर से बड़ा वीक। तो अगर हम लोग ये फॉर्मेशन देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 वीक अच्छे जाएंगे, क्योंकि मार्केट अपने जो है कि जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करता है। लेकिन ये हमारा ही चार्ट का वर्किंग है, एक्चुअल मार्केट क्या करता है, क्योंकि यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा नीचे हम देते हैं कि इसमें वीकली में तो मार्केट का जो सपोर्ट है हमारा, आई थिंक इलेक्शन के भी कैंडल से भी नीचे यहाँ पे मुझे और होगा रहेगा 22,800 यहाँ पे नीचे दिख रहा है। हम लोग डेली में जाते हैं और डेली का भी हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था डेली में जो कि मार्केट कभी भी अगर डाउन जाता है या अप जाता है तो कोई ना कोई जो कि पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे जो मार्केट ने पैटर्न बनाया था वो था हेड एंड शोल्डर, जो कि यहाँ पे कट हुआ था, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक नेगेटिव पैटर्न है, और उसका जो टारगेट यहाँ पे था वो जो लगभग 23,200 यहाँ पे, ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि इलेक्शन का कैंडल का टॉप के ऊपर, यानी मार्केट को और भी गुंजाइश है नीचे आने की। लेकिन ये ब्रेक होता है अगर इधर होल्ड नहीं करता है तो और भी तो मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, तो इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे देखिए कि शार्प मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है।
नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ई है जो कि हमको दिख रहा है 22,000 या 21,500 के अराउंड ये दिख रहा है, तो ये लेवल भी बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन 200 डीए में ये सबसे इम्पोर्टेंस है। अभी ये जो है कि हमने यहाँ पे लेवल देखे करंट ऊपर, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो क्या होगा, तो ये लेवल से मार्केट रिवर्स होना जरूरी है और एटलीस्ट मार्केट जो है कि ऊपर, ये हमारा 23,800 जो एक रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा कि ये वीक का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। 200 डीए में पहले भी ब्रेक हुए, क्या होता है कि ये ब्रेक होते हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखते हैं तो देखिए कोई भी मार्केट कभी भी ये लेवल ब्रेक किया है, लेकिन ये लेवल ऊपर जाने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे देखो, जैसे कोविड में भी देखो कि ये ब्रेक कर ऊपर जाने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऊपर जाने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऊपर जाने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसे नहीं कभी आप चार्ट देखो, कितने भी हिस्ट्री देखो, तो मार्केट में बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी ऐसा मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ पे आया तो पैनिक रहेगा, 10% के बाद 20%, फिर 40% या जीरो हो जाएगा, ऐसे कभी इंडेक्स जीरो नहीं होता है। तो हमको क्या करना है कि हर एक गिरावट में आप जो है कि शेयर बाय कर सकते हो। अगर आप कोई भी शेयर देखो यहाँ पे निफ्टी में, अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े कंपनीज जो है सभी यहाँ पे ड्रॉप हो गए। तो देखिए कि कौन से ऐसे शेयर जो है कि बचा हुआ है कि गिरा नहीं है। यहाँ पे मैं सभी निफ्टी के शेयर्स के आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, फटाफट साइड में देखिए। तो ये जो सब चार्ट है तो देखिए कि कोई गिरा नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे एनटीबीसी दिखा तो मैं आपको बताऊंगा कि एनटीबीसी का आईपीओ भी आ रहा है, मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहेगा तो इसमें थोड़ा दिक्कत है कि नीचे खुल सकता है, कम खुल सकता है जितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट तो मुझे बताने का मतलब है कि देखिए कि जब भी अच्छे शेयर लेते हो और मार्केट गिरता है तो वो भी गिरते हैं, लेकिन अगर बुरे शेयर रहेंगे मार्केट ऊपर जाता है तो भी वो ऊपर नहीं जाते। इन शॉर्ट मुझे कहना है कि अच्छे शेयर्स आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, जैसे कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो कभी ऊपर मार्केट रहेगा तो सभी लोग बाय करते हैं, लेकिन नीचे के मार्केट में बाय नहीं करते। ये लेवल पे जब भी मार्केट आपको ऐसे दिखेगा ऊपर जाते हुए, तभी फिर से आप लोग आओगे। इधर से यहाँ से और भी नीचे जाने दो तो SIP जितना होगा उतने आपके जो है कि शेयर्स बाय होते रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाना उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप कमेंट्स में लिख दो आपको कैसे वीडियो चाहिए। तो इंडेक्स होता है वो कभी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और उसके शॉर्ट में आपको ये देखना है तो निफ्टी 20 ये भी आप बाय कर सकते हो SIP में, यानी अभी थोड़े थोड़े बाय कर सकते हो, या अच्छे शेयर्स भी बाय कर सकते हो। शेयर्स या फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाना उसके लिए मैं शायद अलग सा वीडियो बना भी दे दूँ। तो आपको यहाँ पे SIP में कर सकते हो, ऑलरेडी जिनका पोर्टफोलियो है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। सेल करना यहाँ पे जो है कि एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 10% गिरा है, उसके बाद आप सेल करते हो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आप बाय में आओगे। लॉन्ग टर्म में हो, अगर आपके पास अच्छे कंपनी है या अच्छा इंडेक्स फंड है तो डरने की कोई बात नहीं, आप थोड़ा ऐड ऑन करो। सब प्रॉब्लम्स होने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स होगा और आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। तो कहने की बात यही थी मुझे कि देखिए कि जल्दबाजी में अगर ऐसे कुछ आप देख रहे हो कि कोई इम्पोर्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है और आपका पोर्टफोलियो है या लॉन्ग टर्म आपने शेयर लिए या अच्छे कंपनी के शेयर लिए, जस्ट होल्ड करो। अगर बुरे कंपनी के शेयर्स लिए होंगे तो आपको उसका दिखता होगा कि वो ज़्यादा ही गिरते होंगे, या जैसे हम पैनिक स्टॉक बोलते हैं मिड कैप, उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हुआ होगा, लेकिन लार्ज कैप में भी होगा लेकिन वो लेवल पे नहीं होगा, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। जब भी मार्केट कवर होगा पहले लार्ज कैप को ऊपर लेके जा सकता है, तो आपको यहाँ पे SIP करते रहनी चाहिए। और डिटेल चाहिए तो मैं और भी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो हमने निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे, मंडे को हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 23,500 का एक लेवल है। देखिए मार्केट उसको बहुत डिफेंड कर रहा था, तो इसके अगर नीचे जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, बाइंग के लिए 23,693 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमको आने वाले वीक में बैंक निफ्टी भी कैसे परफॉर्म करती वो देखना है। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा सा मंथली चार्ट देखेंगे। यहाँ पे मंथली में देखें तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप दिख रहा है। अगर लॉन्ग टाइम में देखो, वीक में देखते हैं तो वीक में देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक जो सपोर्ट लेवल था उसके थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहा है, तो वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रहा है। डेली में देखते हैं
तो डेली में देखे कि लास्ट वीक में मार्केट जो बैंक निफ्टी था उसने एक अपना सपोर्ट तोड़ा था, जो था 50,353, ये जो लेवल था, और नीचे भी एक सपोर्ट के ऊपर है। बैंक निफ्टी अभी तक 200 डीएमए के ऊपर आया नहीं, क्योंकि निफ्टी से थोड़ा ये पॉजिटिव भी था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 200 डीएमए के नीचे आता है और निफ्टी भी, तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। 49,630 ये इसका लास्ट ए लेवल का सपोर्ट है, और 200 डीएमए भी यहाँ पे जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो डायरेक्टली नीचे इसका जो लेवल है 47,467, बैंक निफ्टी फिर से 50,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे ये रिकवरी आ सकती है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे कैसे करना है मंडे को हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बैंक 5 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं, बहुत ही क्लियरिटी यहाँ पे है। तो नीचे वाला जो लेवल है 49,913 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, बाय करेंगे 53,55 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रेंज बन गया है, आइदर साइड ब्रेकआउट अप ट्रेंड यहाँ पे ले सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं एवरी जो है कि सैटरडे का जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपके स्टॉक के बारे में एडवाइस देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मार्केट जब भी डाउन जाता है तो बहुत सारे लोग मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो यहाँ पे कम क्वेश्चन पूछते हैं, और जब भी ऊपर जाता तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं सबको बोलूंगा कि यही मौका होता है, यहाँ पे आपको आपके स्टॉक को जान लो और यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछो। संजय जी करके उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा भेल के बारे में, तो भेल का चार्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब भी मार्केट जैसे ऊपर जाता है, यहाँ पे भेल ने जस्ट लाइक जैसे कि निफ्टी ने भी ये बनाया था हेड एंड शोल्डर, तो इसका भी जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर बना, ब्रेक हुआ, नीचे आया 100 डीएमए, 200 डीएमए, ये वीक हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग कोई स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो कैसे करना है, देखिए कि नॉर्मली ये सपोर्ट के बाद गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के बाद गिर रहा है, तो अभी भी ये सपोर्ट बना रहा है, तो ऐसे 2 बार सपोर्ट बनाने के बाद इधर भी गिरने का चांसेस यहाँ पे है, यानी मार्केट अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है। जब मार्केट सस्टेन होता है, जैसे कि ऊपर हेड एंड शोल्डर बनाया, तो नीचे भी हेड एंड शोल्डर बना सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, या फिर हायर हाई हायर लो बनाता है, तभी मार्केट एक स्टेबल होता है। फिर भी ये लेवल के ऊपर अगर आपने ये बाय किया होगा और आपको इसके लिए कुछ एडवाइस चाहिए, तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे नज़दीक वाला जो सपोर्ट है 213, ये इसको टॉपलेस लगा के आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि आने वाले वीक में ये इंडेक्स या स्टॉक्स ऐसे चलने चाहिए। जिसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसे ट्रेड कीजिए। और दोस्तों, आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ, तो 21 तारीख को हमारा टेक्निकलिस का क्लास शुरू हो रहा है लाइव मार्केट में। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा, दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।